वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेम प्रॉपर्टी को यूज करना है, किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। बदलाव नहीं करना है तो क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स को किस तरह से हम लोग फिल करेंगे। 2 × 1/7 है, यहाँ 1/7 है, मल्टीप्लाई एक डैश दिया गया है। तो डैश के लिए क्या है, आगे क्वेश्चन में ही है इसका आंसर छुपा हुआ है। तो क्या है, यहाँ यह 2 नंबर नहीं है, तो यहाँ 2 फिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी है 5 × डैश दिया गया है, तो यहाँ 5 है, क्वेश्चन में 1/8 नहीं है, तो यहाँ 1 और 8, यहाँ 1/8 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन सी है, इसमें किसी तरह के बदलाव करने के लिए नहीं क्या आ गया है, तो हम लोग इसमें बदलाव नहीं करेंगे। 1/12 है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है 4/9 × 8 है, 8 × तो यहाँ 4/9 हो जाएगा, ये 4/9 होगा। 7/6 है, तो यहाँ 15 है, तो 15 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन एफ है, इसमें 16 आगे है, इसमें पीछे किया हुआ है, दोनों में 15/17 है, तो यहाँ 15/17 होगा। क्वेश्चन नंबर बी 2 का ये है, ये 1/2 × 1/3 × 1/4 डैश दिया गया है, तो इसमें नंबर आगे पीछे किया हुआ है उसे कोई मतलब नहीं है, नंबर कहीं भी रहे मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर सेम डिजिट आएगा। तो ये क्या है, 1/4 यहाँ है, तो 1/4 अंदर में है, तो इसमें क्या है 1/2 सिर्फ इसमें नहीं है, इसके ब्रैकेट में, तो हम लोग इसको 1/2 यहाँ बाहर लिखेंगे, 1/2 होगा। वो कहीं है, वो नंबर कहीं है उससे मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई होगा तो सेम डिजिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, उसी तरह 1/7 × 1/16 है, तो 1/7 भी है, 1/16 भी है, तो 1/25 नहीं है, तो 1/25 यहाँ आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन सी है, जो नंबर मिस है उसको हम लोग ढूंढेंगे, और जहाँ हम लोग को फिल करने के लिए दिया गया है वो नंबर फिल किया जाएगा। 9/16 है, 6/17 है, 6/17 है, 5/18 है, 5/18 है यहाँ, तो क्या नंबर मिस है इसमें, 9/16, तो यहाँ 9/16 दिया गया। क्वेश्चन नंबर डी है, डी में भी 16/25 है, 16/25 यहाँ भी है, 17/39 है, ये भी है, ये नंबर नहीं है, 21/50 यहाँ ब्लैंक्स दिया गया है, ये 21/50 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/2 × 0। अब क्वेश्चन दिया गया है ये कि किस नंबर से हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ही नंबर आए, स्वाभाविक है किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को, तो नंबर जीरो ही आएगा, तो ये क्या डैश होगा, यहाँ जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 10 किसी भी नंबर हो, ये आपको जितना नंबर है उतना नंबर, वो तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर बी है 3/11 × 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन सेम का सेम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 3 होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 11 ही होगा, यानी कि 3/11 होगा। अब यहाँ दिया गया है 7/8 × 1, अब वही है, अब मल्टीप्लाई हम लोग 7 को जहाँ जिस नंबर से करेंगे तो 1 से 1 ही आएगा, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 आया, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7 ही है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 ही है, इसका मतलब ये 7 है, ये प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए नहीं कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर डी है 1/9 × 0, तो 0 किससे होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर ये को बनाया है, ये क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक इसके उलट आपको आंसर दिया गया, तो यहाँ 0 होगा, या 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो भी 0 आएगा। अब यहाँ दिया गया है 11/12 × 11/12। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि एकदम सेम नंबर आ जाएगा, स्वाभाविक है हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आएगा या डैश जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट को तो नंबर सेम का सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है, एफ में डैश है, मल्टीप्लाई 17/4 है, यहाँ 4/1/4 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा, कैसे 1 होगा ये भी देखेंगे हम लोग। ये किसी भी नंबर को हम लोग पहले देखे हैं, मल्टीप्लाई की है 1 से, तो ये इसमें होल में था, इसमें होल नहीं है, 17/4 है, यहाँ होल में, यहाँ होल क्या है 17/4 है, इक्वल टू 4/1/4 है, तो ये कैसे आया 17/4, तो 4 × 4 = 16 और 1 × 17/4 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 17/4। ये 4 ये कैसे आएगा, ये होल में, तो होल में इसको करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 4 से, 4 में 16 है, तो 4 × 4 = 16, 4 इसमें से ये 17 था, 16 नहीं है सॉरी, ये 17 है, तो माइनस बचेगा 1, ये कट जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 4/1/4 ये आ गया, तो ये 17/4 यही है, तो हम लोग जो भी किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हो,
सिर्फ आपका क्वेश्चन में ही सिर्फ आंसर यहाँ है वन ही होगा, और इसको होल को तोड़िएगा तो 17/4 ही आएगा। मुझे आशा है कि मैं सिंपल तरीका से समझाया हूँ, और ये सिंपल ही है, मैथ का सिंपल ही ट्रिक है, और आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।